गुड मॉर्निंग एप्रीपन तो लास्ट टाइम हमने जब वो कोवलेंट बॉन्ड के बारे में जो डिस्कस किया था जिसमें हमने देखा था कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो वो क्या होता है डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो वो क्या होता है और हमने बात की थी कि किसी भी मतलब एटम में जो वो एटम में जो वो जैसे कि चार कार्बन चार जो वो बॉन्ड क्यों नहीं हो सकते उसका रीज़न भी हमने देखा था आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको पता है कि आ, आपको जो वो टेंथ क्लास में जो वो सिक्स जो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पढ़ने पड़ते हैं जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो कि मुझे लगता है वो है हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन जो कि डिटेल में जो आप आपको पढ़ना पड़ेगा बाकी जो वो जैसे एल्कोल है उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं एल है उसमें भी ज़्यादा मतलब कि इतना ज़्यादा है नहीं किटोन हेलो एल्केन है कार्बोक्सिलिक एसिड है सबसे बड़ा जो टॉपिक है इनमें से वो ही वो जो वो हाइड्रोकार्बन है इसी में ही थोड़ा सा टाइम जो वो लगने वाला है तो मैंने सोचा इसको जो वो पहले डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो वो क्या होता है इसमें हम जो वो कुछ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे अन हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे इसके आई नेमिंग की बात करेंगे और लास्ट में बात करेंगे ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन की जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन जो वो बनने के चांसेज बहुत ज़्यादा होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में से तो सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वो क्या होते हैं देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है तो कंपाउंड कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन फाउंड इन नेचर ठीक है वो जो वो आप, आपको नेचर में जो वो मिलेंगे आपको है कि हमारे आस पास जो वो कार्बन ही कार्बन है ठीक है या बोल सकते हैं कि कंपाउंड विच आर विच आर इधर हाइड्रोकार्बन विच आर इधर हाइड्रोकार्बन विच आर इधर हाइड्रोकार्बन और दे आर डेरीवेटिव और इसके जो डेरीवेटिव है जो आपको पता है कि मतलब uh, की इसके डेरीवेटिव कंपाउंड विच आर इधर हाइड्रोकार्बन और दे आर डेरीवेटिव अब देखिए uh, मैंने बोला कि आपको जो सिक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पढ़ने हैं ठीक है तो उसमें सबसे पहले हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं सबसे पहले हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं तो इसको जब वो आप समझने की कोशिश करिए ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है ही ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग जिसमें देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के एटम ही होते हैं ओनली तो मैं पूछता हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम ओनली ठीक है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही हो कार्बन कार्बन नहीं बोल रहा हूँ कार्बन और हाइड्रोजन ही हो ठीक है तो उसको जो हम लोग बोलते हैं सॉरी हाइड्रोकार्बन ठीक है अच्छा कार्बन कार्बन तो हो चुके हैं उसके बाद सेचुरटी की बात करेंगे जिसमें दो कार्बन होते हैं तीन होते हैं ठीक है, है बिटवीन ईच अदर ईच कार्बन आइटम तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन और हाइड्रोजन आइटम जो वो किसकी बात हो रही है यहाँ पर तो देखिए अगर मैं बोलूँ एक कार्बन है ठीक है तो उसके साथ जो वो हाइड्रोजन है जैसे सी एच टू है ठीक है मान लो सी एच फोर है मान लो सी टू एच सिक्स है तो यहाँ पे जो वो कार्बन है और हाइड्रोजन है जैसे सी फाइव एच टेन है तो यहाँ पे कार्बन है हाइड्रोजन है और कुछ नहीं है तो इसी को जो वो हम लोग बोलते हैं और मतलब कि हाइड्रोकार्बन्स अभी जो वो यहाँ पर मैं इनकी नेमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन जब पढ़ेंगे कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अभी जब हम इसकी बात करेंगे जनरल फार्मूले की बात करेंगे अभी लाला आप इतना समझिए कि हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा दो चीज़ें होंगी कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा होगा ठीक है आ बाद में जब बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे जैसे हेलो एल्किन की बात करेंगे उसमें जो वो वो जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ठीक है तो ब्रोमो आइडो ठीक है तो वो लगे होंगे जैसे कि टोन में जो आप देखेंगे कि कार्बन के साथ जो वो डबल बॉन्ड ओ लगा होगा ठीक है कार्बन भी साथ में लगा होगा ठीक है तो एल्कोल में जो वो ओ एच लगा होगा तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कार्बोक्सिलिक एसिड बच गया है कि जिसमें ओ एच भी होता है और डबल बॉन्ड ओ भी होता है कार्बन के साथ तो उसकी भी बात करें हाँ एक एल्टीहाइड बच गया जिसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ होता है और एक हाइड्रोजन होता है इनकी हम बाद में बात करेंगे फिलहाल जो वो देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन Uh, क्या हमने बोला जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन होंगे तो सबसे पहले बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अब देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो क्या होते हैं इनको जो हम लोग भी बोलते हैं देखिए देखे एलकेन अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो एल्केन के नाम से ही पता चल रहा है इसमें जो सिंगल बॉन्ड होगा ठीक है तो हाइड्रोकार्बन इन विच हाइड्रोकार्बन इन विच देयर इज ओनली सिंगल देयर इज ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जिसमें जो बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही होगा उसी को ही हम लोग जो वो सेचुरेटेडेडेडेडेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं बिटवीन ईच कार्बन एटम ठीक है तो जैसे कार्बन है ठीक है एक कार्बन और ले लिया एक कार्बन और ले लिया कार्बन जो वो बनाएगा कितने बॉन्ड चार बनाएगा एक तो कार्बन के साथ बना दिया इसने दूसरा यहाँ पे तीसरा चौथा ठीक है अब यहाँ पे इस वाले कार्बन ने जो वो यहाँ पे ए, ए बॉन्ड बना दिया ए बॉन्ड बनाया तो दो बना दिया दो बच गए तो इसके पास जो वो यहाँ पे तीन बच गए तो यहाँ पे जो इसकी अगर मैं हाइड्रोजन लगा दूँ ऐसे हाइड्रोजन 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 तो देखिए सी थ्री हो गए मतलब कि कार्बन जो वो तीन हो गए हाइड्रोजन जो वो आठ हो गए ठीक है तो इसकी देखेंगे इसका जनरल फार्मूला भी फिलहाल आप इतना समझिए कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा ठीक है सिंगल बॉन्ड तो जिसको हम लोग जो एल बोलेंगे ठीक है एल अब देखिए इसका जो जनरल फार्मूला देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला है देखिए वन टू थ्री फोर ले लेते हैं अब एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस देखिए जब कार्बन चार हो गए तो हाइड्रोजन दस हो गए मतलब कि इस चार का दोगुने से दो ज़्यादा इस चार के दोगुने से दो ज़्यादा हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ अगर मैं सी को आ, मतलब कि फोर को एन मान के चलूँ तो एच को जो वो दोगुना मतलब कि टू एन और इसमें टू प्लस करना पड़ेगा तो ये जो हमारे एल्किस का जो जनरल फार्मूला हो गया जब बीच में सिंगल बॉन्ड होगा ठीक है ये हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं अभी जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन होगा साथ में ठीक है तो ये तो हमने बात की सेचुरेटेड की अब बात करते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अब देखिए अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या आते हैं इसको जब हम लो, हम लोग एल्किन्स या एलकाइंस बोलते हैं ठीक है इसमें दोनों आ जाते हैं अनसेचुरेटेड में एल्किन्स और एल्काइंस एल्किस नाम से पता चल रहा है कि इसमें जब डबल बॉन्ड होगा एलकाइंस में जब ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है तो इसको लिख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन इन विच इन विच देर इज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ठीक है इन विच देयर इज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल कोपोलेंट बॉन्ड ध्यान रखिए कोपोलेंट बॉन्ड की हमने बात की थी लास्ट टाइम हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो सेयर होता है ठीक है डोनेट नहीं करता है और बोथ इन चेन बिटवीन टू और मोर कार्बन और बोथ इन चेन बिटवीन टू और मोर कार्बन दोस्त है तीन चार जितने भी होते हैं ठीक है ठीके? अब देखिए आप ज़्यादातर जो वो टेंथ क्लास में जो ऐसे देखेंगे कि जिसमें जो वो जिस चेन में जो वो एक ही मतलब कि डबल बॉन्ड होगा या एक ही ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में बाकी कार्बन और भी हो सकते हैं लेकिन सिंगल बॉन्ड होगा ठीक है बाकी हो सकते हैं एक चेन में जो वो दो भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं ठीक है तो इसकी हम ज़्यादातर बात जो वो प्लस वन क्लास में ही है करते हैं आपको टेक के करके देखना होता होता है जैसे इसका एग्जांपल देखिए एक, -एक लेते हैं जैसे कि कार्बन कार्बन के बीच में दो कार्बन यहाँ पे मैंने ले लिए अब देखिए इस कार्बन ने जो वो यहाँ पे इस वाले कार्बन ने यहाँ पे दो बॉन्ड तो बना लिए तो इसको जो वो दो बचे हैं तो दो मैंने यहाँ पे बना दिया और तो दो हाइड्रोजन इसके पास बचे अब इस वाले ने भी तो दो बना लिए हैं तो इसके पास भी दो ही हाइड्रोजन बचे बनाने के लिए बॉन्ड क्योंकि कार्बन बनाएगा सिर्फ चार बॉन्ड तो यहाँ पर जो वो कार्बन दो हो गए और हाइड्रोजन फोर हो गए इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जनरल फार्मूला इस एन का जो वो दो दोगुना ही हो रहा है हाइड्रोजन मतलब कि जब हम होमोलोगो सीरीज की बात करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे ध्यान से फिलहाल आप इतना समझिए कि कार्बन अगर दो है मतलब कि एन तो हाइड्रोजन जो वो दो दोगुना हो जाएगा मतलब कि टू एन हो जाएगा तो ये जो वो फार्मूला हो गया किसका एल्किन्स का किसका फार्मूला होगा एल्किंस का जनरल फार्मूला जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे सी जो वो अब मैंने चलिए दो कार्बन ले लिए और एक और कार्बन लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब यहाँ पे देखिए आप ध्यान से इसके पास जो पहले वाले कार्बन के पास जो दो तो पहले से ही है दो चाहिए इसको इस बीच वाले कार्बन के पास तीन है एक इसको और चाहिए इसके पास जो एक है तो इसको जो तीन और चाहिए ठीक है तो यहाँ पे आप देखिए सी थ्री है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए सिक्स होने चाहिए तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे है दो तीन चार पाँच छः क्योंकि अभी हमने देखा कि Uh, अगर यहाँ पे कार्बन जो वो जितने हैं हाइड्रोजन जो वो उसके साथ कितने होंगे हाइड्रोजन इसका दो गुना होगा थ्री टू जो सिक्स होगा तो सी थ्री एच सिक्स ठीक है तो ये जो किसके हम लोग पढ़ रहे हैं अभी ये किसकी चेन है ये जो एल्किन्स की चेन है जहाँ पे डबल बॉन्ड हमें एक मिल रहा है ठीक है दो डबल बॉन्ड ये सिर्फ टेंथ क्लास की बात कर रहा हूँ दो डबल बॉन्ड होंगे तो थोड़ा सा चेंज जो वो इसमें आ जाएगा ठीक है तो अब बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड भी ले लेते हैं जैसे एक जो वो ट्रिपल बॉन्ड मैंने लिया तो इसमें जो वो एक ही होगा इसमें एक ही हाइड्रोजन होगा क्योंकि आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में ही तीन बॉन्ड जो वो लग चुके हैं तो कार्बन एक ही बॉन्ड बनाएगा फिर हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे देखिए सी टू हुए तो एच बी टू हुए इसका मतलब है यहाँ पे जो सॉरी सी टू हुए तो एच बी टू हुए आ, मतलब कि सेम ही रहेगा नहीं सेम नहीं रहेगा इसका जनरल फार्मूला जब वो आ, कुछ और तरीके से बनेगा देखिए क्योंकि ए भी सही है ऐसा नहीं है सही नहीं है सही है लेकिन एक और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि कार्बन कार्बन के बीच में मैंने यहाँ पर ले लिया और एक कार्बन मैंने और ले लिया ठीक है अब देखिए अब यहाँ पर तीन बना दिए हैं तो एक हाइड्रो बनेगा यहाँ पे भी एक बनेगा लेकिन इस वाले कार्बन ने जो वो एक बना दिया है तो तीन बनेगा यहाँ पे तो एक दो और तीन ठीक है अब इसका इसमें देखिए तीन जो वो जब कार्बन हो गए तो हाइड्रोजन कितने हो गए एक दो तीन चार पाँच हो गए ठीक कितने होंगे पाँच हो गए अब आप यहाँ पे जो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए पाँच नहीं होनी चाहिए वैसे एक जो मैंने यहाँ पे बना दिया ना ए वाला इस कार्बन के साथ मैंने ए जो बनाया क्योंकि तीन तो यहाँ पे बन चुके थे एक अगले वाले कार्बन के साथ तो ए वाला नहीं होने वाला ए वाला नहीं होगा ठीक है तो इसमें ऐसे जो आप गड़बड़ ना करें समझने की कोशिश करें थोड़ा सा तो देखिए तीन कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने बचे एक दो तीन चार बचे ठीक है कितने बचे चार बचे अब देखिए अब यहाँ तो प्रॉब्लम ये थी कि दो ही कार्बन लिए हमने तो हाइड्रोजन दो ही आ रहे थे लेकिन अब यहाँ पे कार्बन तीन लिए तो चार आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका जनरल फार्मूला कुछ और होने वाला है देखिए तो अगर मैं सी को जो वो एन मान लूँ सॉरी मतलब कि थ्री को जो वो थोड़ी देर के लिए एन मान लूँ तो अगर मैं बोलूँ कि थ्री का दो गुना है इसमें से दो कम है ठीक है तो यहाँ पे भी ये वाला जो जनरल फार्मूला है वो जो वो अप्लाई हम कर सकते हैं इसका दो गुना और दो कम दो का दो गुना चार हो गया चार से दो कम ठीक है तो एच जो आ जाएगा वो हो जाएगा एन का दो गुना और माइनस दो वहाँ पर जो प्लस दो हो रहा था प्लस दो कहाँ पे हो रहा था प्लस दो जो हुआ आपका जो हमने सबसे पहले पढ़ा एल केन्स में ठीक है उसमें जो आ रहा था लेकिन जब हमने सेकंड पढ़ा जो कि एल्किन्स था उसमें डबल ही हो रहा था लेकिन यहाँ पे जो डबल हो रहा है लेकिन इसमें से दो माइनस हो रहा है ठीक है तो ये हमने अभी बात की अच्छा इसका जनरल फार्मूला मैं फिर से लिखता हूँ सी एन एच टू एन और माइनस टू होगा ये है एल एल्काइंस का जनरल फार्मूला ठीक है अब थोड़ा सा जो आई यू पी सी नेम के बारे में जो डिस्कस करते हैं देखिए आई यू पी ए सी नेमिंग ऑफ हाइड्रो कार्बन ठीक है आई यू पी सी का नाम मतलब कि फुल फॉर्म है इंटरनेशनल आ, यू से यूनियन और ऑफ पी से प्योर ए से एंड और यहाँ पे हो जाएगा आसी से कार्बन नहीं कार्बन है केमिस्ट्री ठीक है केमिस्ट्री प्योर एंड केमिस्ट्री तो इसमें जो मतलब एक प्रकार से जो ये बताएगा कि कैसे जब नाम लिखना है ठीक है आयु की नेम देखिए अब इसमें जो बात ऐसी आपको जो प्रीफिक्स पता होना चाहिए प्रीफिक्स प्रीफिक्स प्रिफिक्स का मतलब आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं कि जो शब्द से पहले लगता है जो किसी वर्ड से पहले लगता है तो इसमें जो वो एक कार्बन हो तो उसके लिए जो बोला गया है कि मिथ होगा दो कार्बन हो तो इसके लिए जो वो इथ होगा तीन होंगे तो प्रॉप होगा ये आपको पता होगा मैं ऐसे बता देता हूँ चार होंगे तो ब्यूट होगा पाँच होंगे तो पेंट होगा सिक्स होंगे तो हैक्स होगा जैसे मैथ्स में भी आप व्यापरते हैं सिक्स हैक्स एन ठीक है साइड्स की बात होती है वहाँ पर लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है जैसे यहाँ पे फोर को जो हम लोग ब्यूटेन बोलते हैं वहाँ पे फोर को क्वाड रिलेटर बोलते हैं ठीक है थ्री को ट्राइंग बोलते हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है सेवन को जब हम लोग है हैपटेन या सेप्टेन भी बोल देते हैं ठीक है एट को जब वो ऑक्ट बोलते हैं नाइन को जब वो नॉन बोलते हैं टेन को जब वो डेक बोलते हैं आप टेन तक जो वो याद रखेंगे ठीक है तो ये हमारे फ्रिफिक्स हो गए जो कार्बन पर डिपेंड करता है कितने बार कार्बन है कुछ होते हैं सफिक्स ये जानना बड़ा जरूरी है सफिक्स सफिक्स है मतलब आपको लास्ट में लगाना पड़ेंगे ठीक है वो डिपेंड करता है एल्केन एल्किन्स और एल्काइंस पे एल्केन का मतलब है एक बॉन्ड एल्किंस का मतलब डबल बॉन्ड और एल्काइंस का मतलब है सिंगल बॉन्ड तो यहाँ पे जो वो इसके साथ ए एन ई लगता है और यहाँ पे जो वो ई एन नहीं लगता है ये सफिक्स है तो वर्ड के लास्ट में लगेंगे जब आप नेमिंग करेंगे ना तो उस जो भी आप वर्ड लिखेंगे नाम लिखेंगे उसके लास्ट में लगा देंगे हाँ कुछ छिप लास्ट में चिपका देंगे लेकिन कुछ एक एक्सेप्शन एक ये है कि आपको जो वो आ, आ, कुछ एक जो वो लेटर जो वो हटाना भी पड़ेंगे ठीक है बात करेंगे उसकी भी वाई एन ई -E, ठीक है इसमें लगता है आइ इन तो सिंगल बॉन्ड के लिए अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में तो ए इन डबल बॉन्ड होगा तो ई इन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन हालांकि आपको जब वो पहले से ही पता होना चाहिए अब देखते हैं अब एक क्वेश्चन लेते हैं फिर जब आपको समझ आ जाएगा देखिए कार्बन कार्बन के बीच देखिए दो बॉन्ड है ना सॉरी सिंगल बॉन्ड है तो इसकी तो नेमिंग सिंपल हो जाएगी दो कार्बन है तो हम लोग बोलेंगे मिथ इथ ठीक है अब सिंगल बॉन्ड है ना सिंगल बॉन्ड ए तो ये बन गया इथ ठीक है लेकिन डबल बॉन्ड का देखते हैं कोई बड़ा जैसा सी और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड लगा दिया सी एक सी और एक सी और एक सी और लेते है हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है अब मैंने यहाँ पे ना डबल बॉन्ड ले लिया बीच में तो पे कार्बन हाइड्रोजन बना देते है एक दो यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे भी एक बनेगा यहाँ पे दो बनेंगे यहाँ पे भी दो बनेंगे यहाँ पे लास्ट में तीन बनेंगे ठीक है तो यहाँ पे ये जो रेड से बताया हाइड्रोजन है ठीक है मैं लिख नहीं रहा हूँ आपको जो वो नेमिंग करनी है जहाँ पे जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो वो सबसे पहले आ जाए मतलब कि आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन जो ढूंढनी है लेकिन यहाँ पे तो चलो ब्रांच हाइड्रोकार्बन की बाद में बात करेंगे फिलहाल आप ऐसे देखिए मतलब कि डबल बॉन्ड पर जो वो डिपेंड करता है एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड जो वो आपको आ सकते हैं ऐसा नहीं है लेकिन ज़्यादातर पढ़ेंगे आप प्लस वन क्लास में तो एक डबल बॉन्ड लिया आपको जो वो डिसाइड करना डबल बॉन्ड में जो लॉन्गेस्ट चेन में सबसे पहले डबल बॉन्ड जो आपको कम नंबर वाले को देना है तो वन टू मैंने इसको दिया थ्री फोर फाइव सिक्स अब टू पर जो वो डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहले कितने हैं सिक्स uh, है ना कार्बन सिक्स है तो हैक्स लिखता हूँ मैं हैक्स लिख दिया और टू uh, क्योंकि टू पर जो वो हमारा इन है इन मतलब कि एल्किन्स है ठीक है और एल्किन्स के लिए मैंने बात की थी कि इस किस वो इन लगेगा तो हैक्स इन या हैक्स टू इन जो इसको बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे इसने बोला भी है कि टू पर है तो आपको जो हैक्स टू इन इसको बोलना पड़ेगा ठीक है तो कुछ इस तरह से हम लोग जो वो नेमिंग करते हैं एक लास्ट टॉपिक इसका देखते हैं फिर जब आप लोग नेक्स्ट टॉपिक में जब बात करेंगे हेलो एल्किस की या एलकोल की कीटोन की कार्बोक्सिलिक एसिड की या एल की बात करेंगे लास्ट हमारा है ब्रांचड हाइड्रोकार्बन टॉपिक ठीक है इसमें हम बात करते हैं जरा थोड़ी सी सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन ठीक है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन लॉन्गेस्ट चेन का मतलब है जैसे कार्बन 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 तो इस साइड भी कार्बन है इस साइड भी कार्बन है जो सबसे बड़ी बन रही है ना वो कार्बन की चेन जो आपको डिसाइड करनी है तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो मेरे ख्याल से बनी है एक दो तीन और यहाँ पे चार ठीक है तो ये सबसे बड़ी बन रही है टू पर टू पर जब वो दो मिथाइल लगे होंगे तो दो मिथाइल तो इसको जब वो टू टू डाई मिथाइल बोलेंगे ठीक है वो देखेंगे आगे लेकिन फिलहाल जो आपको लॉन्गेस्ट चेन जो वो ढूंढनी होती है वहाँ पर सेकेंड सेकेंड जो आपको जब ना कार्बन जैसे मैंने बोला कार्बन के साथ ऐसे एक चेन में तो कार्बन है लेकिन इस इस कार्बन के साथ एक और इस साइड लगाया कार्बन या इस साइड लगाया कार्बन तो इस वाले कार्बन को जो हम लोग मिथाइल बोल देंगे ठीक है एम ई टी एच मिथाइल ग्रुप लगाए या दो लगे हैं तो इथाइल बोल सकते हैं क्योंकि हमने देखा कि दो कार्बन मतलब कि इथाइल इत, इथ इथाइल तीन कार्बन लगे होंगे तो यहाँ पे जो इथाइल बोलेंगे सॉरी प्रोपाइल बोलेंगे ठीक है मिथ इथ प्रोपाइल तीन कार्बन लगे होंगे तो प्रोपाइल बोलेंगे ठीक है तो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल बात करेंगे इसकी भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे सी सी यहाँ पे सी है यहाँ पे जो वो एक कार्बन इस साइड भी चिपका हुआ इसके साथ तो इसको जो वो एक कार्बन है तो इसको बोलेंगे मिथाइल ठीक है इसके साथ एक और लगाए ठीक है तो इसको बोलेंगे इथाइल ठीक है मिथाइल इथाइल तीन कार्बन चिपके होंगे इसके साथ तो इसको बोलेंगे प्रोपाइल ठीक है, है। फिलहाल और देखते हैं हाँ आपको पता होना चाहिए कि एक और आपको जो वो जो, मतलब कि गिव नंबर टू तो चेन इन सच ए वेट एल्काइल ग्रुपीव स्मॉलेस्ट नंबर आपको जो चेन में जो स्मॉलेस्ट नंबर उस कार्बन को देना है जहाँ पे जो मिथाइल लगा हो आ, या मतलब कि एल्काइल ग्रुप कोई भी लगा हो ये अल्काइल ग्रुप है मिथाइल इथाइल लेकिन लास्ट में आइल आइल है तो मिथाइल इथाइल प्रोफाइल इस वाले कार्बन को अगर मैं दो नेमिंग दे दूँ सबसे पहले ये वाला कार्बन दो पे आ जाएगा मतलब कि आपने जो नंबरिंग जो वो एलकाइल ग्रुप को जो वो स्मॉलेस्ट नंबर देना है सीधी ऐसी बात ए है ठीक है।, है और आपको जब वो राइट नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप बिफोर द नेम ऑफ मेन चेन आपको जो वो एलकाइल ग्रुप का नाम जो वो मेन चेन के बाद लिखना है जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम सी कार्बन ले लिया यहाँ पे सी ले लिया यहाँ पे सी और इसके साथ मैंने एक और सी चिपका दिया देखिए अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी बना देते हैं एक जो यहाँ पे है तो तीन जो वो यहाँ पे लगाना पड़ेंगे यहाँ पे तीन है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बनाना पड़ेगा यहाँ पे एक है तो तीन बनाना पड़ेगा ठीक है यहाँ पे एक कार्बन है तो यहाँ पे जो तीन हाइड्रोजन लगाना पड़ेंगे ये यह जो वो यहाँ पे एक कार्बन है मतलब कि इसके पास वो कितने हाइड्रोजन है तीन हाइड्रोजन है ठीक है एक तो कार्बन के साथ ही बॉन्ड है तो ये जो एक कार्बन है इसका मतलब है ये जो मिथाइल है और मैं इस साइड से नंबरिंग दूंगा तब भी दो पर ही आएगा और इस साइड से दूंगा तब भी दो पर ही आएगा इसका मतलब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसको बोलेंगे मैं टू मिथाइल एम ई -E टी एच वाई एल ठीक है मिथाइल और कितने कार्बन है तीन कार्बन की चेन है तो तीन कार्बन में हमने देखा था मिथित प्रोप तो प्रॉप ठीक है प्रोप के बाद जब वो सिंगल बॉन्ड है सभी के बीच में तो एन लगेगा ए एन ई -E, तो ये बन गया टू मिथाइल प्रोपेन ठीक है तो ऐसे कई सारे जो आप एग्जांपल इसमें देख सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल है अगर आप बेसिक से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको जो समझ आएगा अच्छे से एक और लेते हैं जैसे सी तो इसमें मैंने जो वो दो कार्बन चिपका दिए थी ऊपर ठीक है तो अब यहाँ पे जो वो एक और कार्बन ले लेते हैं इस साइड ठीक है अब नेमिंग करते हैं वन टू थ्री फोर सॉरी इस साइड से नहीं करना पड़ेगी आपको जो वो किस साइड से इस साइड से करना पड़ेगा क्योंकि आपको जो वो जो एल्काइल ग्रुप है ना उसको जो स्मॉल नंबर देना है तीन चार तो टू ऊपर है टू पर जो वो दो है दो मिथाइल है तो टू टू अब मिथाइल मिथाइल दो बार नहीं लिखना है डाई मिथाइल लिख लो दो हो हैं तो डाइंग कर लो ट्राई कर लो तीन है तो ठीक है टू तो डाई मिथाइन कितने कार्बन है एक दो तीन चार चार कार्बन के लिए <coughs> ब्यूटेन एन इसलिए क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सभी के बीच में तो ये हमने बात की ब्रांचड हाइड्रोकार्बन की आई नेम की हमने थोड़ी सी बात की बाकी अगर आप जितने एग्जाम्पल देखेंगे उतना ज़्यादा समझ आएगा अनसेचुरेटेड की बात की सेचुरेटेड की बात की तो यहाँ पे हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड एक जो हमने डिस्कस कर लिया हाइड्रोकार्बन जिसमें जो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगने वाला था बाकी तो छोटे छोटे हैं दो दो मिनट का टॉपिक होगा हेलो एल्केन्स हो गया कीटोन एल्कोहल एल डी हाइड एसिड और यहाँ से जो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये जो सिक्स हाफ की टेंथ क्लास में दिए हैं इनसे जो क्वेश्चन एग्जाम में हर बार बनता है थैंक यू एंड हैव नाइस डे